जिहड़े खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वह बैंस भरा ने, चाहे वह खैरा, चाहे कोई होर है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत इन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। यह बोल ने शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रधान पवन गुप्ता दे। और जो खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वह सुखपाल खैरा है, चाहे वह बैंस ब्रदर है, चाहे दूसरे लोग हैं, इन्हों संपत्तियां भी कुरक कर लिया जानिया चाहिए है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत इन्हों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रधान पवन गुप्ता वालों बटाला विखे अपनी पार्टी के नेतावान ते मेंबरां नाल मीटिंग की गई। इस दौरान पवन गुप्ता ने पंजाब च खालिस्तान की उठ रही आवाज नूं बंद करवाउण लई केंद्र सरकार नूं सख्त कदम चुकन की अपील की है। गुप्ता ने अकाली दल समेत ज्ञानी हरप्रीत सिंह, गोबिंद सिंह लौंगोवाल, सुखपाल खैरा, बैंस अते आम आदमी पार्टी नूं वी अड़ीके लिया। अकाल तखत दे मुखी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने ये गल कही कि जे कोई सानू सरकार खालिस्तान दे तुसीं लैण नूं तिआर आ। ये जिहड़ा इनवर्टेड कोमियां दे विच गल कही गई, ये गल जरनैल सिंह भिंडरां वाले दे समें तों कही जा रही है। और जानबूझ के गल कही गई कि खालिस्तानी आतंकवादियों की जिहड़ी सोच है उस सोच नूं उभारिया जा सके। असी उस तो बाद मंग की सी कि सरकार इसनों हल्के तरीके नाल ना लवे, इहदे उत्ते NSA एक्ट लगा के, क्योंकि अकाली दल दे कोटे दे विचों नियुक्त होए ज्ञानी हरप्रीत सिंह और उन्होंने कोटे चों नियुक्त होए SGPC प्रधान उत्ते खुद मौजूद सीगे, चुप्पी धारण कर ली, उन्होंने समर्थन दे दिता और इन्हों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ़्तार किया जाए। क्योंकि पंजाब की एक त्रासदी है कि सिख वोट बैंक नूं ध्यान च रखते हुए कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती, उन्होंने लगता है कि सिख नाराज हो जाएंगे। उस तो बाद उस बयान तो बाद गुरबंत बंत सिंह पन्नू जिहड़ा विदेश की धरती पर बैठा है और उन्होंने नाम बड़ा वधिया रखा सिख फॉर जस्टिस, मैं सिखां लई न्याय दिलाउण लई, जबकि वह आप साबत सूरत सिख नहीं है, कोई उहदे बाल नहीं है, कोई उहदे दाढ़ी नहीं है, कोई उह ककार नहीं धारण करता, पर सिखां नूं न्याय दिलाउण दे नाम से लखां करोड़ां रुपए के डॉलर पाकिस्तान के इशारे के उत्ते वह हिंदुस्तान नूं तोड़न की ब्योत बनाता रहिंदा है। जिवें अकाल तखत के चीफ का बयान आया, उन्हें कहा कि हुण तां अकाल तखत का भी सानूं समर्थन हासिल हो गया, सरकार आते हाथ धरके बैठी रही। हुण पिछले दिन ही जिहड़े आतंकवादी पकड़े गए, उन्हां आतंकवादियों नूं कहा गया कि यह निर्दोष ने। अकाल तखत के मुखी ने दोबारा बयान दागिया कि वह तो बड़े गरीब गुरबे ने जी, झूठा केस पा दिता। उस तो बाद सुखपाल खैरा जिहदा प्यो पहला खालिस्तानी रहा है और वो कहण लग गया कि यह जिहड़े आतंकवादी है निर्दोष हैं। उस तो बाद बैंस ब्रदर जिहड़े आपणे आप नूं कहिंदे वी असीं बड़े सच्चे सुच्चे बंदे हैं, असीं तां इंसाफ नहीं लड़दे हैं, उन्होंने नाम भी रखा लोक इंसाफ पार्टी। हुण लोक किहड़े, वो थैले जो बिल्ली बाहर आ गई, उन्होंने फिर कहता कि खालिस्तानी आतंकवादी बलव गुरबंत सिंह पन्नू जिहड़ा है साडे परिवार का मैंबर है, अगर बैंस ब्रदर ऐसे परिवार के मैंबर हैं तो मैं एक गल कही है कि साढ़े इत सेरा पिंड के आतंकवादियों के घर सुखपाल खैरा, धर्मवीर गांधी जिहड़े पटियाला तो लोग सभा सांसद सीगे, जिहड़े आम आदमी पार्टी तो हुण हार गए ने, लेकिन उसके नाल एक आम आदमी पार्टी के भी प्यारा निर्मल सिंह कुछ इस तरह के नाम के मैंबर विधानसभा उत्ते गए ने। अगर इस तरह दियां शक्तियां उठणगियां और पंजाब पुलिस जिन्हां नूं खालिस्तानी अतवादी समझ के पकड़ेगी, उन्हां नूं ये जाके पिट ठोकणगे, तो दिन दूर नहीं जदों अतवाद का पीरियड फिर पंजाब च आएगा। फेस मास्क मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री कैपेसिटी 500,000 मास्क पर डे, 2 and 3 ply disposable face mask, 3 ply disposable face mask with nose wire, RN95 respirator face mask, adjustable nose piece for ultimate comfort. For bulk order and more information, www.risley.org.